देखिए, जब भी इस प्रकार से आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है तो उसका एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहना चाहिए और ये एक बहुत सामान्य सी चीज है जो डीएम और एसपीज करते हैं। अगर सरप्राइज बीते शनिवार को यानी 11 फरवरी के दिन चित्रकूट जेल से सामने आई एक खबर से लखनऊ तक हलचल मच गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत की कल हुई गिरफ्तारी की। यूं तो ये गिरफ्तारी अपने आप में चर्चा का विषय रही, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा एक महिला अधिकारी की शुद्ध हिंदी बोलने का वीडियो भी तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। हम आपको बता दें, ये महिला अधिकारी कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी को गिरफ्तार करने वाली चित्रकूट की एसपी वृंदा शुक्ला है। कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। अभी उनके पास से दो मोबाइल फोन, कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश बरामद हुए। सऊदी रियाल थोड़ा बरामद। दरअसल निखत की गिरफ्तारी का मामला तेजी से प्रदेश में बड़ी खबर बन गया। वहीं इस दौरान एसपी वृंदा शुक्ला का मीडिया से बातचीत के दौरान उनकी शुद्ध हिंदी बोलते समय उनका कॉन्फिडेंस भरा अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों की नजर में चढ़ गया। लोग ट्विटर पर एसपी वृंदा शुक्ला की मीडिया से बातचीत की क्लिप शेयर कर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आपको चित्रकूट एसपी वृंदा शुक्ला के बारे में कुछ और बताएं, उससे पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी, हमें ऊपर से सूचना मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं, तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरिक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरिक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। जब भी इस प्रकार से आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है तो उसका एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहना चाहिए और ये एक बहुत सामान्य सी चीज है जो डीएम और एसपीज करते हैं अगर सरप्राइज एलिमेंट कहीं का भी मेंटेन करना हो। तो उसी क्रम में हमने इस प्रकार कार्रवाई की। आपको बता दें, चित्रकूट जिले की कप्तान आईपीएस वृंदा शुक्ला अपनी कार्यशैली को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। आईपीएस वृंदा शुक्ला अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। दरअसल उनकी और उनके आईपीएस पति की जोड़ी को एक मिसाल के तौर पर भी देखा जाता है। वर्तमान में चंदौली एसपी के पद पर तैनात अंकुर अग्रवाल उनके पति हैं। वृंदा शुक्ला को अपने दूसरे प्रयास में 2014 में सफलता मिली और वे आईपीएस बनी, जबकि अंकुर अपने पहले ही अटेम्प्ट में 2016 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस बन गए थे।